यार चलो ये छोड़ो, मैं बताता हूँ जो ये निहारी है मोहम्मदी निहारी, ये जब हमारे ना 95 में हम शिफ्ट हुए थे सब्जादार में, याद होगा ये तो छोटा था मैं ना, फोर्थ क्लास में पढ़ता था मैं उस वक्त, तो हम शिफ्ट हुए तो मैं 9th-8th में था, तो जब हमें कॉलेज जाना शुरू हुआ ना तो उस स्कीम और पे ना मोहम्मदी निहारी की शो बनी कोने पे उधर। हाँ तो मोहम्मदी निहारी की जो प्लेट थी ना निहारी की एक प्लेट, उसको पता कितने की थी, मैं गैस कर कितने की होगी, यहाँ से 50 रुपए की थी, 50 रुपए की प्लेट थी। हाँ मुझे याद है 50 रुपए की प्लेट होती थी, और 100 रुपए में आप ना यानी कि पूरे घर ने खा लिया, इतनी निहारी वो देते थे। प्लाट वो मैंने जो लिया ना उसकी उसकी खुशी में मैंने हमें दावत नहीं दी, तो वो कह रहा मैं पहले फूदा खिलाऊंगा कोई भी खिला दे, मेरा काका तो खाता ही नहीं है यार, 10 रुपए का तो दही मिलेगा, वो प्याला प्याला मिलता होता फैमिली। तो आपका भाई एक नई वीडियो के साथ आ गया है, और आज जो है ना काफी अरसे बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, और देखे हमारे घर कौन आया हुआ है, हमारा काका आया हुआ है, ये तो चौथा चाय तो ये हमारा छोटा छोटा काका आया हुआ है, और ये रहा हमारा बड़ा काका, और सबसे बड़ा काका इधर है, और सारे इधर ही बैठे, ये ऐसा बैठी हुई है, वालेकुम सलाम, और ये देखे जी आए हुए हैं कौन, उमेर भाई और आमना, और ये हमारा चपचे चौथा काका। तो उमेर भाई आए हुए थे, तो मैं अभी घर आया था शॉप से, तो उमेर भाई आए हैं अभी अभी आए हैं, तो मैं उनको कह रहा था कि यार हमें कोई दावत नहीं दी यार, हैं फर्स्ट टाइम आया, नहीं नहीं पहले एक वीडियो में आया हुआ है, दावत में आया, ये हमारी वीडियो में पहली दफा आ रहा है काका, ये देखो यार मेरे साथ बड़ा खेला है, अभी रोज खेल रहा हंस रहा था मेरे साथ। तो भाई उमेर भाई आए थे, तो मैं उमेर भाई को कह रहा था कि यार प्लाट लेने तो तू मुझे बड़ा खेच खेच के ले गए भाई, इन्नी गर्मी च ते दावत शावत तू कोई दीती क्यों हमें तो कब होगी दावत इधर पाए ना, कराओ ना दावत, किसे दावत कराओ, हमें दावत चलो भाई, ओए 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 चल बाज बाज बाज, गर्मी लग रही है, तो भाई कब फिर दावत है बताओ, दावत कौन सी, आपने दावत देनी है, हैं नहीं दावत देनी, तो आमना से पूछते आमना ने कब दावत देनी, जब आप कहेंगे हम फांसी ना दावत दे, दावत भी हमारे इस टाइम गर्मी है, गर्मी क्या यार दावत का क्या, खाना खाना है हमने, उसमें गर्मी का क्या ताल्लुक यार, चलते हैं मनाल वहां जाके, कोई गर्मी नहीं, ऐसी लगी एसी लगे होंगे सब, चलो ये क्या बात है, यानी कि स्टार्टर के तौर पे पहले फलूदा खिलाना है हमें दावत। तो आज जो है ना उमेर भाई को हमने पकड़ लिया है कि उमेर भाई से कुछ ना कुछ खाना है, चलो क्योंकि ये बाहर खुद खाते रहते हैं, हमें कहते रहते मैं तो बाहर से खाता नहीं, क्यों भाई बाहर से खाते ही नहीं, तो अभी हम चलते हैं, फिर आज जो है ना ये आए थे तो ये कह रहे थे हमने पीना है फलूदा खाना है, पीना या खाना जो भी है, खाते भी पीते भी हैं, तो अम्मी को बड़ा पसंद है, क्यों अम्मी जी, अम्मी साथ ही जा रही है, अम्मी कहती मेरे लिए ले आना, तो आज हम सारे जा रहे हैं, आशा भी जा रही है, आशा जाना, आशा भी जा रही है, तो अभी चलते हैं हम सारे जाके पहले फलूदा पीते हैं, तो अब भाई दावत कब है, मसला दावत ए देखो इन्होंने दावत देनी है, कब कब कोई भी दावत दी, किधर कौन सा, ओ बड़े ओ भाई वो तो भाई एक वो खाना दावत का थोड़ी था, वो तो वैसे ही वहां पर बैठ के वो एक सैंडविच खाया था, चलो भाई चले फिर, चलो भाई कच्चा चाचा पाचा चाचा, ये देखे हमारा काका बहुत बोल रहा है, ये मुझे कह रहा था कि पापा गाड़ी चलाएंगे, तो जी चारे हम जा रहे हैं अभी गाड़ी में, कौन सी इस गाड़ी में जाना है, वो कह रही मैंने इस गाड़ी में जाना है, अब मैं नहीं इसमें लेके जाना, देखो मैं नहीं लेके जाना, सिटी में जाना है, अरे मैं हमारी गाड़ी में जा यार, तू आ जा सिटी में, आ जा आ जा बड़ी गाड़ी में चलते हैं ना, इधर है गाड़ी, इधर आ, इधर आना दिखाता हूँ, इधर आ, इधर आ, इधर आ जाती मैं गाड़ी दिखाता हूँ, पापा शायद आके रहते हैं, ये चीज ये गाई ओए आगे नहीं बैठना तुम्हें, चलो जी आ जाओ, तो फ्रूदा ही पीना है कुछ और खाना है आपने, खाना है कुछ और क्या, फ्रूदा ही
गाड़ी खुली, समझ नहीं आ रही खिला कौन रहा है, हम खिला रहे हैं आप खिला रहे हैं, ये उमेर खिला रहा है, उमेर ही हमें आप खिला रहे हैं हमें, नहीं प्लाट उमेर ने जो लिए ना उसकी उसकी खुशी में उमेर ने हमें दावत नहीं दी, तो कह रहा है मैं पहले फुरदा खिलाऊंगा, हम भी खिला देते हैं, कोई भी खिला दे मेरा काका तो गाता ही नहीं है। चलो जी आशा भी बैठ गई है तो हम चलते हैं। तो जी किधर जा रहे हैं फिर, आयत किधर जाना है आपने, बाबू किधर जा रहा है, आज आरती खाने जा रहे हैं, फलूदा खाने जा रहे हैं। तो जी हम फलूदा खाने जा रहे हैं लेकिन हम बहुत दूर जा रहे हैं, इकबाल टाउन जाना पड़ रहा है, जाना पड़ा, लेकिन उस फलूदे के अंदर भी आइसक्रीम होती है, हाँ उसके अंदर कुल्फी डालते हैं, कुल्फी होती है बहुत ही मजे खोए वाली कुल्फी। आयत जो है ना आज बड़े ही मूड में है, आज बड़ा खेल रही है हमारे साथ ना, बड़ा एंजॉय कर रही है, कुल्ची खानी में बच्चे ने कुल्ची खानी है हमने, तो बस। तो जी आज ना रश भी बहुत है, भाई भी बहुत रश लगा हुआ है, सैटरडे है ना आज इसीलिए बड़े स्लो स्लो जाना पड़ रहा है, तो बस चलते हैं और जाके वहाँ पे फलूदा खाते हैं, उधर ही खाना है पैक करवाएं जैसे ही कहते हैं। तो मेहर भाई को मैं कह रहा था अभी हम पीछे देख के आए हैं कि यहाँ पर ये वो खान दावत देंगे अपने चैनल में देंगे, बड़ी दावत बड़ी दावत हो, जिधर कहोगे खाना खिला देंगे, कोई रोला नहीं यार। अभी पिछले दिनों मैं गया था वहां से ना, हमने ना वो तुम्बा शुम्बा खाया, बड़ा मजा आया यार, कमाल का था। और लेकिन मैं उधर चर्सी दिखा गए थे हम ना, किधर गए थे हम शनवारी, लेकिन उतना मजे का नहीं था उसकी कढ़ाई, मजा ही नहीं आया यार, कढ़ाई नहीं लेकिन उनकी दूसरी चीजें बंदा खाए ना वो ज्यादा मजेदार होती है, वो चपली कबाब उसका ट्राई करने हैं, चपली कबाब हो गए ये वो चीजें, वो कहीं से हमें ट्रीट है उसकी चपली कबाब, अच्छा लाइटें लग गई पाकिस्तान में, बिजली बहुत ज्यादा हो गई है, जाया तो करनी है ना उन्होंने, ये देखो अभी मैंने सुना है नहर को बड़ा सजाया है उन्होंने, बहुत ज्यादा लाइटिंग की हुई है, लाइटिंग की हुई है। लो जी किधर से किधर जाना पड़ रहा है, फलूदा एक फलूदा पीने के लिए ना तो 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, कहते हैं फलूदा पीने के लिए 2000 रुपए का पेट्रोल सार 2000 का पेट्रोल, जो तो जाके पता चले फलूदा 1000 रुपए का, 1000 रुपए का फलूदा 2000 का पेट्रोल सारता है, कोई बात नहीं, कोई बात। लेकिन हम ना बचपन से ही वहाँ से पीते हैं, इसीलिए हम पीते ही वहीं से हैं, बाकी मैंने बैरिया में भी ट्राई किया है, इधर भी पीता सी ना एक बार, अदनान भाई ने ना जबरदस्ती वहाँ से, अदनान भाई आए हुए थे तो हम सारे गए पीने, ओ यार दिल ही खराब हो गया, दिल खराब हो गया, मैकडोनल्ड के नाल सी ना, मैकडोनल्ड के साथ पहले ही था, हाँ पहले ही, वो इतना फजूल था ना वो, दिल ही खराब हो गया था, तो आप पीते हैं ये इसका तो भाई जब भी आउट क्लास है रियाज फलूदा, क्योंकि ये मेन ब्रांच ही मेरे ख्याल से यही है रियाज, ओए नहीं नहीं मेन ब्रांच ये नहीं है, नहीं मेन से मुराद है कि बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है ये, जब हम छोटे छोटे होते थे तब भी हम यही से पीते थे, तब मेरे ख्याल 80 रुपए का ग्लास होता था यार, 60-70 रुपए का ग्लास होता था, 30-40 का भी मैंने पिया, 30-40 का भी होता था, लेकिन 60-70 रुपए का भी होता था ग्लास, था यार 10 रुपए का तो नहीं मिलेगा, वो प्याला प्याला मिलता होता था, यार चलो ये छोड़ो मैं बताता हूँ, जो ये निहारी है मोहम्मदी निहारी, ये जब हम आए ना 95 में हम शिफ्ट हुए थे सब्जादार में, याद होगा ये तो छोटा था मैं ना, फोर्थ क्लास में पढ़ता था मैं उस वक्त, तो हम शिफ्ट हुए तो मैं 9th-8th में था, तो जब हमें कॉलेज जाना शुरू हुआ ना तो उस स्कीम और पे ना मोहम्मदी निहारी की शो बनी, कोने पे उधर, हाँ तो मोहम्मदी निहारी की जो प्लेट थी ना निहारी की एक प्लेट, उसको पता कितने की थी, मैं गैस कर कितने की होगी, मेरे यहाँ से 50 रुपए की थी, 50 रुपए की प्लेट थी, हाँ मुझे याद है 50 रुपए की प्लेट होती थी, और 100 रुपए में आप ना यानी कि पूरे घर वाले खा लेते, इतनी निहारी वो देते थे, होता ये था कि ना जब भी हमारे घर मेहमान आते थे ना संडे वाले दिन, जब भी आंटी घर आए थे निहारी, यहाँ पे मस्त होती थी, यहाँ एक और भी थी चरका भी, वो था साबर होटल, साबर होटल वो बड़ा एक्सपेंसिव था, वो उस वक्त महंगा था, अभी भी बहुत महंगा है, चरका और हर चीज उसकी देसी घी में, वो बड़ा मशहूर है, वो शाहनूर स्टूडियो के पास ना, पास ही है तो वो बड़े मशहूर, वहाँ से हम लेके आते थे, वो महंगा था काफी, मैं भी जाके बाइक पे लेके आता था, ये भी कभी ये जाते थे कभी मैं जाता, लेकिन मोहम्मदी निहारी जो है ना वो बड़ी सस्ती थी, सस्ती और अब मोहम्मदी निहारी कितने की, 1800 रुपए की प्लेट,
1800 की और 50 रुपए की दादा लगाओ जरा भाई, तो बस इतना फर्क पड़ गया जो है ना। इस टाइम फलूदा खाने की तरफ गामजा ने, और ट्रैफिक जो है ना जोरों शोर से चल रही है यार, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं जरा आराम से चला रहा हूँ। तो बस चलते हैं और जाके फलूदा एंजॉय करते हैं। लो जी हम आ गए हैं रियाज फलूदा, रियाज फलूदा पर, और यहाँ पर बहुत ज्यादा गाड़ियों का रश है, इधर रश बहुत ज्यादा है भाई साहब, लोग जो है ना अब गाड़ी में खाएं के बाहर बैठ के खाएं, कैसे खाएं, सिटिंग जो है ना इनके अंदर सिटिंग वो यार हम इधर ही रोक लेते हैं मेरे ख्याल से, ये ज्यादा बेस्ट है, इधर ही खा लें फिर, गाड़ी में खा लेते हैं, गाड़ी में खाना है कि लेके चले, गाड़ी में ही खा लो, गाड़ी तो जाके ना पिघल जाता है यार, मजा नहीं आता, चलो फिर मंगवा लो, फिर मंगवा लेते हैं, इतना खर्चा हो गया तो चिप्स भी दिला दो, मालिक मालिक जब इतना खर्चा हो गया है तो एक फलूदा और फेवरेट डायलॉग है मालिक। तो जी ये हम ले आए थे फलूदा, ये रहा फलूदा, ये है कुल्फी, ये सेवी, ये तुख्म लंगर है, ये शीरा है, सब कुछ ले लेना कर दी उमर भाई ने कहा ये सब कुछ लेना चाहिए, तो चाहिए लेकिन काम है मैं भाई काम भी। अच्छा और यार कुछ तो फिर कुर्बानी देनी पड़ती है ना, अब उन्होंने हमने जितने उनसे लिए थे 8 कुल्फियाँ ना, तो उस हिसाब से उसने ये बहुत कम दिया है ना, वहाँ बैठने का सही तरह निज़ाम ही नहीं था। हाँ इसमें डलवा दा ये चीज़, अब ये होगा ना कि आधी आधी कुल्फी इसमें डाल दो, आधी उसमें डाल दो, बाकी वो सेवियाँ डालो, तो तैयार हो गया फालूदा। मेरे काके को ना एक कुल्फी दो यार, वो उसने बहुत कुल्फी खा रहा है, कुल्फी खानी एक कुल्फी काके को लेना से दे दो यार, ये देखें जी फालूदा हम खुद बना रहे हैं, एक उसने आधी कुल्फी डाल दी है। और चल कोई गल नहीं यार ये तो भाई कहता है कि बस इतनी भी ईमानदारी अच्छी नहीं होती भाई मेरे काके को एक निकाल के दो पहले भाई, आज जो है ना पूरी गाड़ी में कहते रहे मैं एक कुल्फी। तो जी मेहर भाई कैसा लगा, मेहर भाई ने आते ही पकड़ लिया है, वो देखें क्या कह रहा है, अच्छा है कुल्ची खा रहा है, हमने कैसा लगा हमको। लो जी ये हुआ, ये है कि लेके हम गए थे लेकिन पैसे हमने उमेर के लगवा दिए उमेर से खा रहे हैं, और भी मेरा काका अच्छा लगा, मेरे काके तो हर चीज़ अच्छी लगती, मीठी चीज़ अच्छी लगती है यहाँ, लेकिन हम नहीं जा सकते, हाँ जा नहीं सके। आयशा क्या कर रही है, आयशा कुल्फियाँ काट काट के खाई जा रही है लेकिन उधर यार वो अंधेरे के अंदर बैठना था वो मज़े नहीं आना था, क्योंकि वो उनका ना सारा ओपन है ग्राउंड, उन्होंने इनकी करवाई हुई है। चलो जी मेरे लिए भी ये आयशा ने बनाया, अभी जो भाई ना ऊपर सो गए थे मैंने फ़ोन करके उनको उठाया, तो ये उनके लिए पड़ा हुआ है, वो आके पियेंगे। आयशा ने नहीं खाना, मैं बस थोड़ा सा, अम्मी को दे दिया, अबू को भी, चलो अबू ने भी खाना है, अम्मी भी खा रहे हैं। तो हमने वो कैसा लगा, हमने पाया नहीं, पहले पिया हुआ ना, खाया पिया यानी एक दोनों बराबर ही है, ये है मज़ेदार वैसे ना, ये इर्द गिर्द कहीं और से खाओ ना मज़े नहीं आता। मेरा काका अच्छा लगा, कुल्फी खानी है, हैं इसने वो रोड़ा डाला, कुल्फी खानी कुल्फी खानी। आयशा को कैसा लगा, अभी अच्छा कैसा लगा, मज़ेदार था, आयशा नहीं खाती होती ज़्यादा ना मीठी चीज़ें। तो जी ये वीडियो जो है ना सुबह नाश्ते पे ख़त्म करेंगे, नाश्ता सुबह ना लेके आएंगे क्योंकि संडे है सुबह, तो इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे नाश्ते पे, क्या कहती है आयशा, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में इतनी ज़्यादा हम नहीं बातें कर सके, नाश्ते पे भी ज़्यादा बातें करेंगे। तो नाश्ता जो है ना सुबह कोई बताएं अपना क्या करना है नाश्ता, पाए शाय खाने हैं, पूरी आलू पूरी, चलो ठीक है जी, सुबह का नाश्ता जो है ना वो हमारी तरफ से होगा, ठीक है यार, अभी सोएंगे तो सुबह उठेंगे ना, और गाने हैं, ओए 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 मेरा काका कह रहा है मैंने और गाने हैं, मैं दूँ आपको, मैं डाल दूँ, नहीं अब्दुल्ला की रूटीन में देखिए, सुबह उठेगा बाद में दूध पिएगा, बाद में दोपहर का वो दोपहर को भी दूध पिएगा, बाद में रात को भी दूध पिएगा, तो वो अब और कुछ खा नहीं सकता ना, उसे दूध ही पीना है फिर, वो आपकी तरह कोई बाकी चीज़ें चिप्स चुप्स बोतलें आइसक्रीमें ये चीज़ें वो नहीं खा सकता ना, हाँ फिर वो भी खाया करेगा, वो कहेगा हाँ अभी आप जाते हो ना यहाँ, हाँ
ठीक है ना, फिर ये आपकी तो नहीं जाया करेगा वहाँ से, जाके इसने कहना मैंने लॉलीपॉप खाना है, मैंने ये खाना है, क्यों जी? चलो जी, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, सुबह भी वीडियो बनानी है, तो सुबह आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है और नेक्स्ट डे मेरे साथ कौन है? ज़हीर भाई। तो नेक्स्ट डे जो है ना संडे है, और संडे का आपको रात को मैंने बता दिया था कि हम नाश्ता भी करेंगे, तो नाश्ता लेने जा रहे हैं अभी, सुबह सुबह का टाइम है। अस्सलाम वालेकुम भाई भी, तो नाश्ता लेने चलते हैं, नाश्ता ला कर फिर आपको नाश्ते की टेबल मिलेंगे, और नाश्ते के साथ ना हमने वो वेजिटेबल्स भी लेनी है, तो वेजिटेबल लेकर और नाश्ता लेकर हम आते हैं और टेबल में मिलेंगे उमेर भाई, सारे मिल के नाश्ता करेंगे। क्या कहते थे रात को? किधर से मैंने कहा था नीचे आ जाओ, सो गए रात को? मैं बहुत ज्यादा थक गया था, मैंने सो गया हुआ, सो गए हुए थे। चलो जी, रात को देव को हमने फिर ऊपर भेज दिया था, खाया था फलूदा, जबरदस्त था ना। चलो जी फिर हम चलते हैं नाश्ता लेने। चलो जी, सब्जी हमने खरीद ली है, वेजिटेबल तो हमने पीछे रख दी है, आज सारी नहीं मिली क्योंकि अभी तक उन्होंने लगाई नहीं थी, वो आई नहीं थी लेके, लेट हो गए हम, लेकिन फिर भी लगी नहीं, फिर भी लगी थी। लेकिन अब हम आ गए हैं नाश्ता लेने, तो नाश्ता आज जो है ना हम आए हैं पहले सादिक पे, ठीक है, वहाँ से हमने लेने हैं पूरे, और अगर पूरी हलवा भी सही लगी तो वो भी ले लेंगे, क्या कहते हैं? ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से पूरा उनका बड़ा जबरदस्त होता है, वो सारे शौक से करते हैं, कचोरी जो है उनकी, तो वो उनसे लेते हैं। ले जी, इतना रश भी नहीं है, या वो खत्म तो नहीं हो गया? खत्म हो गया गाँव, होम डिलीवरी भी है, इस वजह से रश कम हो गया। हाँ, होम डिलीवरी लोग गर्म ही मंगवा लेते हैं, इतनी गर्मी है। तो ये अब हम आगे थे यासर ब्रोस्ट, क्योंकि वहाँ पर नाश्ता हमें नहीं मिला, उनके चने खत्म हो चुके थे, फिर हमने कहा कि पूरी हलवा क्यों लेना, तो भाई जा रहे हैं यहाँ पर वापस यासर ब्रोस आए हैं, हमने उनसे सिर्फ ले लिए हैं पूरे, यानी कि एक एक चिकन की टिक्की ली है और एक मटन की, तो वो मैंने उनसे ले ली, वो उनके पास से चने उनके पास ख़त्म हो चुके थे, जिसकी वजह से मैंने उनसे पूरी हलवा नहीं लिया। मैंने कहा फिर हम पूरी हलवा लेंगे अपने यासर ब्रोस से, यासर ब्रोस से अभी लेते हैं, यहाँ पर काफ़ी रश लगा हुआ है, गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, क्योंकि ये बूफे चलाते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, तो बूफे जो है ना इनका मैंने देखा नहीं है किस तरह का है, किसी दिन जाके देखेंगे, तो फैमिली के साथ आके इंशाल्लाह यहाँ पर बूफे करेंगे, यानी कि ब्रेकफास्ट बूफे जो है ना वो इनके पास करेंगे आके और इन्जॉय करेंगे। यासर ब्रोस्ट। तो जी सारे बेबीज आ गए हैं, सारे बेबीज आ गए हैं, फिर सुबह का टाइम है, तो सुबह सुबह का टाइम है, तो अब नाश्ता टाइम है, नाश्ता लगने लग गया, वो देखें नाश्ता तो लग रहा है। और मम्मी जी क्या कहना नाश्ता? दही भले नाभिया ने क्या खाना है? पूरी हलवा। और काके ने क्या खाना है? काका नाराज हो गया? अरे कुछ नहीं, वैसे नाराज है। चलो जी आ जाओ, अब हम करते हैं नाश्ता। तो जी ये नाश्ता लग चुका है, तीन किस्म के चने हैं, पूरी हलवा है, और ये पूरा है, ये दो किस्म के हैं, एक मटन का है और एक चिकन का है, ये नान, और ये आज लस्सी भी है, क्योंकि हम भी गए थे, मैंने लस्सी पीनी, लास्ट टाइम हम नहीं बना सके, लस्सी पिलाते हैं, लस्सी भी बन गई है, तो उसकी गुड़िया जो है वो कहती मैंने गुड़िया के साथ बैठ के खाना है, तो आप साथ हो जाओ ना, साथ हो जाना, क्या मम्मा को तो जाने देते, ये नान वाला, वो नान वाला नहीं, ये पूरी वाला, नान वाला नहीं, पूरी वाला
कचौरी कहीं और से है, नान वाले चने कहीं और से है, पूरी और कहीं और से है, और दही कहीं और से है। तो जी नाश्ता हो गया है, मम्मी चाय पी रही है सारे बैठे ना, तो कैसा लगा भी? बहुत मजा आया, वैसे तो खाते हैं नहीं खाते हैं। बच्चे सारे पूरी वैसे डेली हम जो है ना वो ब्रेड अंडा खाते हैं, डेली ब्रेड अंडा चलता है, ठीक है। संडे वाले दिन जो है ना बस ये थोड़ा सा देसी नाश्ता रहता है। तो जी ये थी आज की वीडियो, रात को हम गए थे एंजॉय किया था और सुबह मेल्ट हो गई होनी है उसमें क्या। तो जी ये थी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। मेरे साथ हमारी और भी बहुत सारी वीडियो जो है ना वो बनने वाली है, आने वाली है, साथ साथ वो भी आपने लाजमी देखनी है। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करो यार, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। और लोग कहते हैं मैं मेरे साथ चैलेंज नहीं करते हैं, लोग क्या कर रहे हैं और भाई चैलेंज की जरूरत बाहर गया, मैं बाहर हो गया ना चैलेंज, फल फ्रूट का तो चैलेंज भी करते हैं मैं भाई के साथ। खुश रहें, सबको खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।